विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन देते हुए बताया गया कि रीवा शहर में लगभग 6 से 7 हजार ऑटो चालक अपने परिवार का भरण पोषण ऑटो चलाकर करते हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा उठाए गए कदमों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यातायात विभाग की पुलिस द्वारा अन्य वाहनों की चेकिंग नहीं की जाती है, किंतु परमिट फिटनेस लाइसेंस ऑटो चालकों को पकड़कर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने के साथ साथ यातायात के पुलिस कर्मियों द्वारा अलग से घूस की रकम भी ले ली जाती है। उदाहरण के लिए यातायात विभाग के दरोगा शुभम चतुर्वेदी द्वारा यातायात थाने के सामने सैकड़ों ऑटो चालकों को पकड़कर प्रताड़ित किया गया है। यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार भी किया गया है। वहीं विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने कार्यवाही करने की मांग की है। विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन पदाधिकारियों का ज्ञापन देते हुए क्या कहना है, आप भी सुनिए। समस्या हमारी थी कि आज 5 दिन से हम ऑटो चालकों की ऑटो में सांकल लगा के यातायात थाना, सिविल लाइन, पुलिस लाइन में सांकल लगा के खड़ा किए हैं। उनका यानी बच्चों का पालन पोषण कौन करे, किससे करे, उनके पास कोई सहारा नहीं है ऑटो के अलावा, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि यातायात के दरोगा जो हैं अखिलेश कुशवाहा और शुभम चतुर्वेदी, इनको एक गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, ऑटो वालों को लात से भी मारते हैं और लाठी से भी मारते हैं, जिसके वजह से हमको एक ज्ञापन देना पड़ा अध्यक्ष महोदय को कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो हम लोग अपनी ऑटो का चक्का जाम कर पूरा शहर बंद रखेंगे। विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के अध्यक्ष महंत पांडे ने बताया भी है कि ये सब पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, कर्ज से ऑटो खरीद कर अपने परिवार का नौकरी न मिलने के कारण, बेरोजगारी के कारण अपने पेट का पालन करने के लिए ऑटो चलाते हैं। हम 1% लोगों की बात नहीं करते, गड़बड़ हो सकते हैं, पर बाकी सब बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाते हैं। अब इनके साथ जब पुलिस विभाग माने यातायात पुलिस के 2 अधिकारियों का 27 तारीख को सुनाई पड़ा कि मारपीट 28 तारीख को किया, यातायात के सामने गाली गलौज किया, दोनों काम न किया जाए, जुर्माना भी करें और मारपीट भी करें, तो हम लोगों ने तय किया कि स्पीकर साहब हमारे यहाँ रिक्शा यूनियन चलाकर राजनीति में आगे आए हैं और उन्होंने हमेशा गरीबों की, ठेला वालों की, ऐसे लोगों की मदद की है, गरीबों की, ऐसे नेता से हम मिलें, अपनी शिकायत करें। आज उनका वो विदेश से भी आए तो हम लोगों ने स्वागत अभिनंदन भी किया और ऑटो वालों ने अपनी समस्याएं रखी, उन्होंने ज्ञापन लेकर, अब बहुत हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं स्पीकर साहब का कि कलेक्टर महोदय के साथ चर्चा करके और हमारे अस्पताल की कुछ समस्याएं हैं, उनके डीन साहब को और अधीक्षक साहब को, नगर निगम की जो समस्याएं हैं उनके लिए नगर निगम के मतलब कमिश्नर साहब को और SP साहब को और RTO विभाग के RTO साहब को 6 तारीख को 4 बजे मीटिंग बुला लिया है सर्किट हाउस में। स्पीकर साहब के साथ हमारा प्रतिनिधि मंडल भी उसमें रहेगा और वहाँ पर समन्वित चर्चा होगी कि इन समस्याओं का निदान कैसे होगा, ये उन्होंने अभी अभी फैसला कर दिया। इसके कारण हम लोग बहुत उनके ऊपर प्राउड है कि हमारे स्पीकर साहब ने हमारी बातें सुनी है।